नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर विज्ञान की साधना से कैसे आप अपने पंच कोशों का शुद्धिकरण कर सकते हैं, किस तरह से आप स्वर विज्ञान की साधना को सीढ़ी बनाकर पंचकोश की साधना कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें इससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये पंचकोश क्या है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो कि उपनिषद से आती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पंचकोश क्या होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस प्रकार स्वर विज्ञान की साधना आपकी सहायता कर सकती है, आपकी सीढ़ी बन सकती है, आपका मार्ग प्रशस्त कर सकती है पंचकोशों को सिद्ध करने में। एक छोटा पुत्र अपने पिता से प्रश्न करता है, पिताजी हम किस चीज के बने हैं? हमारा निर्माण किस चीज से हुआ, किस वस्तु से हुआ, हम क्या हैं? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन जो कि बच्चों के मन में आता ही है कि पेड़ हरे क्यों हैं, आकाश नीला क्यों है। इस तरह का साधारण सा प्रश्न कि पिताजी हम बने किससे हैं, हमारा निर्माण किस वस्तु से हुआ है। लेकिन उपनिषद के पिता हैं, उपनिषद की कहानी के पिता हैं, तो जरूर कोई ऋषि रहे होंगे। उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता पुत्र, तुम खोज के लाओ, और जब खोज के लाओ तो मुझे भी बताना। बच्चा उत्सुकतावश जंगलों में गया होगा, गुरुओं से मिला होगा, अनेक यत्न किए होंगे, ग्रंथ पढ़े होंगे, स्वयं के कई परीक्षण किए होंगे, और फिर एक निष्कर्ष निकालकर अनेक वर्षों के बाद अपने पिता के पास बच्चा वापस लौटा, पिताजी मैंने खोज लिया है, हम अन्न से बने हैं। पिता थोड़े मुस्कराए और बोले, यह तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह पूर्ण जवाब नहीं है, पूर्ण उत्तर नहीं है, इसके लिए जाओ और खोजो। अब आप जान गए होंगे पंचकोशों में हमारा पहला कोश है अन्नमय कोश, जिसके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। यह शरीर, अस्थि, मांस, मज्जा और मांसपेशियां, रक्त आदि का निर्माण अन्न से हुआ है। ऐसे ही तो कोई बच्चा, इसी प्रकार ही तो कोई बच्चा खोज सकता है ना, कि जो हम खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आम लोकोक्ति में एक कहावत भी सुनी होगी आपने, लोक भाषा में, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसके बारे में आगे बताएंगे। पहला कोश अन्नमय कोश है, लेकिन आप अपने आसपास आज समाज में सब जगह अगर नज़र उठाकर देखेंगे, दृष्टि घुमाकर देखेंगे, तो पाएंगे पूरा समाज, पूरी सभ्यता सिर्फ पहले कोश पर ही अटकी हुई है। हर कोई अन्न की बात कर रहा है, हर कोई भोजन की बात कर रहा है कि कैसा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, स्वस्थ रहें, फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, वंस इन अ वीक फास्टिंग करें, डिटॉक्सिफिकेशन करें, सब कुछ अन्न से संबंधित। ऑर्गेनिक खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, सलाद खाएं, इतना, और देखो आप बाज़ार में जाते हो कितने तरह का भोजन बिक रहा है। सुपरमार्केट में किसी में जाओ तो तरह तरह के रंग बिरंगे पैकेटों में, खुशबुओं में भोजन बिक रहा है, खाने की वस्तुएं बिक रही हैं। बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट ये भोजन ही है, खाना पीना ही है।
अब इसके बाद मार्केट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही दूसरा कोष आएगा कोई मार्केट नहीं है उसकी, इसलिए उस पर कोई काम नहीं हो रहा। शायद यही होगा कारण मेरी समझ में। तो बच्चा पिता का जवाब सुन के थोड़ा सा संतुष्ट हुआ, आशावान हुआ। हाँ, मैंने जो खोजा वो सही खोजा, अब मुझे आवश्यकता है थोड़ा और खोजने की। बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिली पिता के इन वचनों से। बच्चा दोबारा खोजने गया, दोबारा गुरुओं की खोज की होगी, अनेक यत्न किए होंगे, ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, स्वयं के परीक्षण किए होंगे। तो अब कुछ वर्षों के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया होगा, मैच्योर थोड़ा सा हो गया होगा। उसके बाद जब उसने जवाब दिया, वापस आया तो बोला, पिताजी मैंने अब तो खोज ही लिया है कि हम किसके बने हैं, हमारा निर्माण किससे हुआ है। उसने कहा, पिताजी हमारा निर्माण प्राण से हुआ है, हम प्राण हैं, क्योंकि अन्न के बाद, शरीर के बाद क्या है जिस पर आप अत्यधिक ऊर्जा लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। थोड़ा सा ध्यान का अनुभव हुआ, थोड़ा सा योग का अनुभव, थोड़ा सा साधना का अनुभव हुआ, तो कौन सा वो पायदान है जिस पर पैर रखते हैं? वो है प्राण, प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, आसन प्राणायाम। आसन वह क्रियाएं जो कि शरीर सिद्ध करेगा, जो शरीर के माध्यम से सिद्ध होंगी। प्राण से हम बने हैं, ऐसा उस बच्चे ने उत्तर दिया। पिता ने दोबारा मुस्कुराया और कहा, शाबाश मेरे बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर खोज के लाए, लेकिन अभी भी यह पूर्ण नहीं है, दोबारा जाओ और सही उत्तर खोज के लाओ, पूर्ण उत्तर खोज के लाओ। बच्चा थोड़ा और आशावान हुआ, थोड़ी सी निराशा के साथ, अरे अभी भी पूरा उत्तर नहीं मिला, मैंने तो सारी खोजबीन कर ली कि एक तो अन्न खाया और श्वास ली। तो दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जान लीजिए इसको, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश पहला है, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरे कोश की खोज में गया। अभी तो बच्चा जानता ही नहीं कि यह कोश क्या है, मैं किस बात की खोज कर रहा हूं। अभी तो बच्चे की स्वयं की उत्सुकता है कि हम बने किसके हैं। तो ऐसा खोजने की इच्छा के साथ बच्चा गया, अनेक वर्षों साधना की, अब शायद 12-15 साल की आयु हो गई होगी, साधना को समझने लगा होगा, आंख बंद करके आनंद को महसूस करने लगा होगा, आनंद का अनुभव हुआ होगा, स्वयं की अनुभूति हुई होगी। आंख बंद करने के बाद एक दुनिया शुरू होती है, यह जाना होगा, स्वयं से परिचय हुआ होगा, कभी कभी खुद से बातें करता होगा। तो यह खोज कर लाया कि पिताजी मैंने अब खोजा है, तीसरा चरण हम मन से बने हैं, क्योंकि जो भी विचार आते हैं सब मन में आते हैं, मन विचारों का केंद्र बिंदु है। कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा विचार, ऐसा चिंता नहीं जो मन से पार हो। तो आप जान गए होंगे, तीसरा कोश है मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश। पिता भी जान गए होंगे बच्चा खोजी है, चाहते तो स्वयं ही उत्तर दे देते, तुरंत ही बता देते, लेकिन बच्चे को दोबारा भेजा, चौथी बार भेजा और अब की बार जब बच्चा लौट कर आया तो ध्यानी बन गया होगा, अवश्य ही ध्यानी बन गया होगा, क्योंकि उसका जवाब ऐसा बताता है। एक ध्यानी का ही जवाब ऐसा हो सकता है, बहुत ज्ञानी भी हो गया होगा, बहुत सारी इधर उधर की जानकारियां इकट्ठी कर ली होंगी, जिन्हें हम योग में सिद्धियां कह
कहते हैं उन्हें प्राप्त कर लिया होगा। चिंतन मनन बहुत गहन हो गया होगा। तो चौथा उत्तर वह लेकर आया, पिताजी मैंने खोज लिया है, हम विज्ञान के बने हैं। तो आप भी जान गए हैं हमारा चौथा कोश है विज्ञानमय कोश। लंबी यात्रा थी, शरीर से शुरू हुई और ज्ञान तक पहुंच चुकी है। प्राण और मन बीच में आए, इसके बाद पिता ने बोला, पुत्र तुम्हें दोबारा जाना होगा खोज के लिए, अभी भी पूर्ण उत्तर नहीं मिला है। अब तो बच्चा ज्ञानी हो गया था, अब तो जरा भी निराशा ना हुई होगी। आशावान होकर, धैर्यवान होकर बच्चा वो दोबारा गया पिता के दिशा निर्देश के अनुसार, क्योंकि अभी भी खोज पूरी नहीं हुई है। धन्य है वह माता और पिता जो ऐसे बच्चे को जन्म दें जो ज्ञान के अंतिम चरण तक यह माने नहीं कि खोज पूरी हो चुकी है। आज आप 5-6 साल के बच्चे को टॉफी चॉकलेट देकर बहका दो और कुछ भी कहलवा दो, कहीं भी ले जाओ, लेकिन वो बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो क्या चाहते थे? यही चाहते थे कि इस्लाम स्वीकार कर लो, बस तुम्हारे को छोड़ देंगे। 5 साल, 7 साल, 8 साल आयु, क्या संस्कार दिए होंगे उनकी दादी ने, जरा विचार कीजिए कभी। यही उपनिषद ही है जहां से वो संस्कारों की कड़ी बंधी हुई है। बच्चा फिर गया, 5वीं बार गया, पिता जानते थे अब आखिरी बार है, लेकिन पुत्र नहीं जानता था, वो तो एक अज्ञात की खोज में था। पिता जानते थे क्योंकि अब ये अंतिम उत्तर लेकर ही आएगा। आया, वापिस आया, अनेक वर्षों बाद आया। पिता के चरण स्पर्श किए, अनेक वर्षों के बाद आया तो पिता ने देखा चेहरे पर अलग ही आभा है, अलग ही तेज है चेहरे पर इस बार। वह उत्सुकता नहीं बच्चे वाली जो बच्चा पूछता था बार बार, हम किसके बने हैं, हम किससे बने हैं, हम कैसे बने हैं। आज उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक उत्सव के भाव थे। वह उत्सव जो शांति से जन्म लेता है। उस पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी हम आनंद से बने हैं। 5वां कोश है आनंदमय कोश। तब उस पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। कितनी सुंदर कथा थी, पिता और पुत्र के संबंध को दर्शाने वाली। अनेक माता पिता मुझसे प्रश्न करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो उनको कभी कभी ये कहानी सुनाता हूँ, बच्चों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको समझो, उन पर विश्वास करो, उनका सम्मान करो, बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। तो यह 5 कोश हैं जिन्हें हम पंचकोश कहते हैं, जो एक चक्र की भांति हमारे को घेरे हुए हैं। यह चक्र बाहर की ओर नहीं जाता, यह चक्र भीतर की ओर जाता है। बाहरी चक्र यह शरीर है जो कि अन्न से बना है, उसके बाद प्राण को आप महसूस करते हैं, प्राण का प्रयोग करते हैं, प्राण का उपयोग करते हैं जीवित रहने के लिए। शायद कभी कभी प्राणायाम करते हैं, थोड़ा प्राणायाम से अधिक जान लिया तो थोड़ा स्वर विज्ञान की साधना करते हैं, स्वरों को जान लिया, ईड़ा पिंगला को जान लिया, सुषुम्ना को जान लिया, बस गाड़ी अटक गई यहीं पे। पहले थे कि खाने से नहीं छूटते थे, मीठा खाना, खट्टा खाना, नमकीन खाना, तीखा खाना, अब स्वरों पे अटक गई गाड़ी, सूर्य और चंद्र स्वर पर अटक गई।
उसके बाद थोड़ा ध्यान का अनुभव होगा, थोड़ी साधना प्रबल होगी, तो मन को जानेंगे, मन के अनुभव होंगे, उसके बाद विज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन पंचकोश की साधना में यह बात आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है, आप जिस भी अंदर वाले कोश की साधना करेंगे, उसके बाहर वाले कोश अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने प्राणमय कोश की साधना शुरू की, तो उसके बाहर का कोश कौन सा है? अन्नमय कोश, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आपने आनंदमय कोश की साधना शुरू की, डायरेक्ट ही पांचवी सीढ़ी पे पैर रखा, जो कि बुद्ध महावीर जैसे ध्यानियों के लिए संभव है, तो बाकी के बाहर के चारों जो कोश हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। शरीर का रोग स्वतः नष्ट हो जाएगा, प्राण और मन के रोग स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इस बात को समझ गए आप मेरी? जिस भी हम कोश की साधना करेंगे, अगर प्राण मय कोश की साधना की तो अन्नमय कोश ठीक हो जाएगा स्वतः ही। अगर अन्नमय कोश की साधना की, जैसे शरीर पे ही लोग लगे हैं, है ना, व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज तरह तरह की कर रहे हैं, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने विटामिन्स, इतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर ली, कितना वजन होना चाहिए, बीएमआई क्या होता है, सारा चार्ट बना लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? आधा अधूरा शरीर का स्वास्थ्य है। आधा अधूरा मैं इसलिए बोला क्योंकि शरीर में तो रोग आ ही जाएगा, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें रोग ना होगा। शरीर को रोग से बचा भी पाएंगे तो कब तक, कितना ही बचा पाएंगे। इसलिए आसनों के अभ्यास के बाद हम तुरंत प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं कि फटाफट आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे वाला चक्र तो, पीछे वाला कोश तो अपने आप ही आगे वाला चक्र की ऊर्जा से, शक्ति से ठीक हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से यह है पंचकोश। तो जब आप स्वर साधना से पंचकोश को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, पंचकोश को सिद्ध करने की साधना में उतरेंगे, क्योंकि हम तो बात ही प्राणमय कोश की कर रहे हैं, इसलिए अन्नमय कोश स्वतः ही ठीक हो जाएगा, शरीर के रोग नष्ट हो जाएंगे और प्राण की साधना सिद्ध हो जाएगी। जैसे जैसे ध्यान प्रबल होता जाएगा, आप मन में शांति को महसूस करेंगे और कुछ शक्तियों का भी अनुभव करेंगे। किस प्रकार की शक्तियां, थोड़ा उदाहरण देके बताता हूं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के, वो कोई जादू नहीं, वो इसी विज्ञानमय कोश की शक्तियों के प्रयोग हैं। वो विज्ञानमय शक्तियों के ही प्रयोग हैं जिनका प्रयोग करके वो किसी के भी मन में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ भी जान जाते हैं। तो जो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, उसके पीछे के तीन चक्र तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। इसी बात को मैं अगली बार बोलूँगा आपको, अगले वीडियो में रिकॉर्ड करने का प्रयास करूँगा कि कैसे हम अपनी साधना को गहन करें और कैसे हम पंच कोशों को प्रबल और सिद्ध करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम नमः।